तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं राहुल गांधी की। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होते ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बड़े विवाद में फंस गए हैं। नेपाली मीडिया में खबर उछली कि राहुल गांधी ने काठमांडू के एक रेस्टोरेंट में मांसाहार खाया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद रेस्टोरेंट ने इस खबर को गलत बताया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये खबरें यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश है। राहुल गांधी इन दिनों कैलाश मानसरोवर यात्रा पर हैं और उसको लेकर विवाद हो गया है। खबर ये आई कि राहुल गांधी ने काठमांडू में एक रेस्टोरेंट में धार्मिक यात्रा के दौरान नॉनवेज खाया। हालांकि रेस्टोरेंट ने इन खबरों का खंडन किया है। देश भर की आस्था का केंद्र कैलाश मानसरोवर, शिवभक्त यहां पूरी श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं। पूरी सादगी के साथ दुर्गम यात्रा की जाती है। पूरी यात्रा में शाकाहारी खाना ही परोसा जाता है। लेकिन नेपाली मीडिया में चल रही कुछ खबरों के बाद देश में बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है कि राहुल गांधी ने काठमांडू पहुंचने पर मानसरोवर यात्रा के बीच में रेस्तरां वुटू में मांसाहारी खाना खाया। विवाद बढ़ा तो हमने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। हमें मिली काठमांडू के वुटू रेस्तरां की साइट पर यह तस्वीर, जिसमें 31 अगस्त को राहुल गांधी के पहुंचने की पुष्टि की गई है। यानी 31 अगस्त को राहुल गांधी और उनकी टीम ने यहां खाना खाया था। क्या खाया इसकी पुष्टि की एक वेटर ने। वहाँ अपनो मेनू में चाहिए के खानु भो हमारे स्पेशल नेवारी डिश, नेवारी मीट प्लेटर भन्ने डिश है एउटा, त्यो खानु भयो। अनि त्यस पछाडिबाट चिकन कुरकुरे, त्यो चाहिँ उहाँले पहिला अर्डर गर्नुभयो, खानु भयो। उहाँलाई फेरि राम्रो लागेछ, मिठो लागेछ, फेरि त्यस पछाडि फेरि अर्डर गर्नुभयो, फेरि खानु भयो तपाईँको। इसी के बाद आरोप लगे कि राहुल गांधी ने मांसाहारी खाना खाकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया। इस बारे में जब हमने होटल प्रबंधन से बात की तो वो कैमरे पर तो नहीं आए, पर उन्होंने राहुल गांधी के मांसाहारी खाने की पुष्टि नहीं की। इस वक्त मैं उसी जगह पे हूँ, वुट रेस्टोरेंट में, काठमांडू के लाजिमपाट एरिया में। कई सारा मैंने कोशिश किया, कई बार उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो कैमरा पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि जो हमने उन्हें आधिकारिक तौर पे फेसबुक पे बयान जारी किया है, उसी बयान हमारा आधिकारिक है, हम कैमरा पे बोलना नहीं चाहते हैं। वुटू रेस्तरां ने फेसबुक पर अपनी सफाई भी डाली है, जिसमें राहुल गांधी के मांसाहारी खाने को गलत बताया गया है। मीडिया की तरफ से काफी पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वुटू की अपनी यात्रा के दौरान क्या खाया, हम इस बात को साफ कर देना चाहते हैं कि उन्होंने मेन्यू देखकर शुद्ध शाकाहारी भोजन ऑर्डर किया था। वुटू ने उनके खाने के संबंध में किसी मीडिया संस्थान को कोई बयान जारी नहीं किया है। इसके बाद कांग्रेस ने भी विवाद को निराधार बताया है, जब होटल प्रबंधन ने ही स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी ने शुद्ध शाकाहारी खाना खाया, तो फिर बाकी का विवाद निरर्थक है। ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी राहुल गांधी की मानसरोवर यात्रा में विघ्न पैदा करना चाहती है। ये देव और दानवों की लड़ाई है। राहुल गांधी 31 अगस्त को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर रवाना हुए थे। इस दौरान वो काठमांडू होते हुए चीन की तरफ गए। राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर यात्रा 12 दिन की होगी। तो धार्मिक यात्रा पर राहुल गांधी ने नॉनवेज खाया या नहीं, इस विवाद पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम। हम पहले रुक करेंगे अखिलेश प्रताप सिंह का। अखिलेश जी, सच क्या है, क्योंकि रेस्टोरेंट का वेटर कुछ बोल रहा है और रेस्टोरेंट की तरफ से अलग बयान आया है। देखिए, ये हमेशा हुआ है, जब से सृष्टि बनी है भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में ये बताया गया है कि भक्त और भगवान के बीच में जो बाधक बनता है उसी को दानव कहा गया है। और यहाँ राहुल गांधी भक्त बन के भोले भंडारी के दरबार में गए हैं, और उसमें जो भी जिस प्रकार का बाधक बन रहा है, वो जाने उनका कर्म जाने, उनका भाग्य जाने। आज बीजेपी और आदरणीय मोदी जी लाखों करोड़ खा गए, राफेल में लाखों करोड़ खा गए, गुजरात पेट्रोलियम में हजारों करोड़ खा गए, कोल में हजारों करोड़ खा गए, तमाम तरह के इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री हजारों लाखों करोड़ खा जा रहे हैं। देश का पूरा पैसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ़ते दामों पे खा जा रहा है। उनके जो दाम बढ़ रहे हैं, उनके मित्र जो पेट्रोलियम कारोबार करते हैं, वो लाखों करोड़ खा रहे हैं, खा ये जा रहे हैं पूरा देश का खजाना। रुपया कहाँ पहुंच गया, डॉलर कहाँ पहुंच गया, सब खा जा रहे हैं। सबका अमन चैन, सुख चैन ये खा जा रहे हैं, सबकी जेब का पैसा ये खा जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जफर इस्लाम जी, अखिलेश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जी, आपके आरोपों का जवाब देंगे जफर इस्लाम। जफर इस्लाम, अखिलेश प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा है और आप इस यात्रा में विघ्न डाल रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी
या कोई राहुल गांधी या किसी से या कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आस्था से जुड़ी हुई बात है। भक्ति ऐसे नहीं आती है, भक्ति आस्था से आती है, और आस्था जो है बिल्कुल मन से अपने आप को संपन्न तौर से जो आदमी है वह सरेंडर करता है भगवान के सामने। लेकिन अफसोस की बात है कि अगर आप मुखौटा पहने, अफसोस की बात है कि आपके आस्था में ही अपने कहीं ना कहीं चुनौती अपने आप में दिखती हो और दिल से ना मान रहे हो, तो ऐसी गलतियां जरूर करता है इंसान, इसलिए कि वो उस चीज के बारे में, एक चीज है दिखाने के लिए जो आपने देखा कई बार मंदिरों में चक्कर काटते हैं इलेक्शन के टाइम में, तो देश को पता है, लोगों को पता है, ये इसमें बीजेपी और इसका कोई लेना देना नहीं, ये गलत बयाने से काम ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह आपका भी और जफर इस्लाम आपका भी। लेकिन एक बार फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा राहुल गांधी की विवादों में फंस गई है। पहले चीन के रास्ते जाने को लेकर विवाद हुआ था और अब इस बात को लेकर विवाद हो गया है कि नॉनवेज खाया या फिर वेज खाया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।